नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघना सचदेवा। आप देख रहे हैं वीके न्यूज। अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने के लिए आतंकवादी किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई भी सरहद पार कर सकते हैं। उनके लिए ना किसी की जिंदगी का कोई मोल है, ना वो किसी की जान लेने से कतराते हैं। और अब जब भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने जमीन पर सुरक्षा घेरे को इतना मजबूत कर दिया है कि आतंकवादियों को सरहद पार करने से पहले भी 100 बार सोचना पड़े, तब ड्रोन के जरिए उन्होंने आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना शुरू कर दिया है। 15 अगस्त से पहले अब एक बार फिर से ये आतंकी रंग में भंग डालने की पूरी तैयारी में है। पिछले कई दिनों में आतंकवादियों ने अपने कई मंसूबों को अंजाम देने की भरपूर कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। हाल फिलहाल में यूपी से भी कई लोगों की गिरफ्तारी हुई और उनके तार आतंकवादी संगठनों से जुड़े मिले हैं। और अब आतंकवादियों ने ड्रोन हथियारों का इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में आने वाले स्वतंत्रता दिवस को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने कमर कस ली है। हालांकि इस बार आतंकवादियों ने ड्रोन से हमला करने की पूरी साजिश रची हुई है। असामाजिक तत्व और आतंकी एक्टिव हो चुके हैं, इसी को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जानकारी के मुताबिक इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दिल्ली पुलिस को एक अलर्ट जारी किया है। इसके मुताबिक ड्रोन की मदद से राजधानी में किसी बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की फिराक में ये आतंकी बैठे हुए हैं। जम्मू एयरबेस पर भी आतंकी हमले के बाद से सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई थी और इसी के साथ कोलकाता और लखनऊ से संदिग्ध लोगों की गिरफ्तारी की गई। खुफिया सूत्र ये कहते हैं कि इस बार ये आतंकवादी ड्रोन से हमला कर सकते हैं, इसलिए दिल्ली पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।